अयोध्या में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अभियान के तहत मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष निरीक्षण अभियान के तहत समस्त बूथ लेवल ऑफिसर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के सभी पात्र मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरे करने वाले प्रत्येक नागरिक का मतदाता सूची में नामांकित करना उनके कर्तव्य निर्वहन की प्रथम सीढ़ी है और दूसरा सकारात्मक रूप से अपने कर्तव्य का तार्किक तरीके से मतदान दिवस के दिन मतदान में भाग लेना व मतदान करना है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं या पूर्ण कर चुके हैं या अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना नाम आवेदन फार्म में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर अवश्य शामिल करवाएं। मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है और सभी बीएलओ हैं उनको मतदाता सूची लेटेस्ट जो मतदाता सूची है वो दी गई है और उसके बाद इनको समरी रिविजन का कार्य स्टार्ट होगा आज से और फाइनल जो पब्लिकेशन है 5 जनवरी 2024 को होगा और 1 जनवरी 2024 तक जो भी मतदाता के लिए पात्र हैं उनका फॉर्म भी भरा जाएगा और इस संदर्भ में हम लोगों ने बीएलओ और जो नए मतदाता हैं और जो नए मतदाता में नाम अंकित करने के लिए पात्र हैं उनके साथ हम लोगों ने वर्कशॉप किया है और उन्हें बताया किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जानी है, कैसे फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरे जाने हैं और एक तार्किक प्रक्रिया के आधार पर हमें एक काम करना है और हमें एक स्वस्थ ईपी रेशियो तैयार करना है, जेंडर रेशियो स्वस्थ तैयार करना है और वैसे सभी मतदाता जो पात्र हैं उनका नाम अंकित करना है मतदाता सूची में, इसके बारे में पूरा डिटेल प्रक्रिया बताई गई और इसके तहत उन लोगों को कहा गया है कि बेहतर कार्य करें जिससे हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र स्वच्छ और बेहतर हो पाएगा और हम नागरिकों का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें तो हम एक जीवंत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं।